किसी को बेटा ट्रैक्टर में खाली ओनली दैट थिंग्स वो नहीं आती. ट्रैक्टर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रैक्टर. पता है ना आपको सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं? हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है. हम जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ भी बोल देते हैं. टीचर्स का सम्मान नहीं करते हैं. मम्मी पापा का सम्मान नहीं करते हैं. नहीं करते हो ना आप लोग? नहीं करते मुझे पता है. मम्मी को तो ऐसे समझा जाता है जैसे कि ये हमारा काम करने के लिए हमारी भगवान ने एक सर्वेंट हमारे लिए भेजा हुआ है. ऐसा ही सोचते हैं ना. जो डरते हैं वो नहीं सोचते. जो मम्मी का जो ये सोचते हैं ना, मम्मी ये कर दो, नाश्ता दे दो, मम्मी अभी मेरी बुक्स डाल दो, मम्मी करेंगी सब कुछ, आप कुछ मत करना. लेकिन अब आप लोगों का जो बोलने का तरीका है, क्लास में टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, आप लोग बात करते रहते हैं, डोंट केयर अबाउट टीचर. आपको ये नहीं लगता कि क्लास में टीचर हैं और खासकर जेंट्स टीचर. तो क्या किया जाए उसके लिए? तो समाधान किया जाए, करना पड़ेगा. कुछ लड़कियां तो ऐसी हो गई है कि क्लास में जब टीचर्स पढ़ाने आते हैं, मोस्टली साइंस वाले टीचर्स हैं, 11th 12th की गर्ल्स की मैं बातें कर रही हूँ, वो जब पढ़ाते हैं तो ये पहले अगले लेसन को रीड कर लेती हैं, अगले लेसन का कर लेती हैं, और फिर जब टीचर दूसरे बच्चों के डाउट्स लेते हैं तो ये क्या बोलती है, सर प्लीज ये बताना. ये आप लोग ये सोचो ना कि सर क्या कर रहे हैं. सभी बच्चों को पढ़ाना टीचर का कर्तव्य है, फुल क्लास को. अब फिर जिस दिन आप टीचर बनोगे, टीचर, उस दिन क्या करोगे आप? सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाओगे? क्योंकि आप ये सोचकर पढ़ाओगे कि जितना मैं इंटेलिजेंट हूं उतना ही आगे वाला बच्चा है, फिर टीचर कहां से हुआ? अगर टीचर ये सोचते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, इसको मैंने स्टार्टिंग से समझाना है, तभी एक अच्छा टीचर बन सकता है. ऐसे नहीं.